बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार में धरना देने को मजबूर हैं। हरदोई में भाजपा विधायक ने कोतवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सैकड़ों समर्थकों के साथ धरना दिया। विधायक का आरोप है कि पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिसके लिए विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अनशन पर बैठे हैं। नीला कोतवाली भ्रष्टाचार से लिप्त है और जब जितने मामले हम कहते हैं उन्होंने अनसुनी ऐसी कर दी, फोन जब मिलाते हैं तो ऐसा ही दे दिया या टाल गए और 8-8 दिन से मुलजिमों को मुलजिम बता के बंद कर रहा है, पैसे लेके छोड़ दिए हैं और फिर दोबारा पैसे लेने के लिए 3 दिन से बंद कर रखा है और एक की जेब से पैसे निकाल लिए, उससे 24,000 ले चुके, 65,500 उसकी जेब से निकाल लिए, एक से 5,500 ले चुके, 50,000 मांगे जा रहे हैं। वहीं सीतापुर में भी बीजेपी विधायक ने पुलिस के खिलाफ धरना दिया। विधायक का आरोप है कि पुलिस अधिकारी पटरी दुकानदारों से अवैध वसूली करते हैं और दुकानदारों के ना देने पर नशे में धुत दरोगा उनके साथ मारपीट भी करते हैं, जिसके चलते विधायक ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। योगी सरकार भले ही अपनी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत में उन्हीं के विधायक ही पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाकर कोतवाली के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। हरदोई से आशीष द्विवेदी और सीतापुर से रिजवान मोहम्मद, पंजाब केसरी टीवी।